हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। बहुत 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 सारे समय बाद, क्या बताऊँ कहाँ से शुरुआत करूँ। बहुत समय हो गया है एंड काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हुई है, जैसे कि फ़ोन वाइप आउट हो जाना, मेरा व्हाट्सएप उड़ जाना, मेरे को इतना कि मैं अपने यूट्यूब में लॉगिन नहीं कर पा रही थी एंड चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई लास्ट वीडियो के बाद में। एंड आई डेफिनेटली फील देयर इज़ कोई नेगेटिविटी एंड ईविल आई एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट आई डोंट गेट अफेक्टेड बाई इट बिकॉज मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है एंड जो भी होता है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। सो ओके, इधर वेज गाइज, ये वीडियो होने वाला है कि आपके पर्सन जो आप जिसके बारे में सोच रहे हो, क्रश या जो भी, वो आपके बारे में करेंटली क्या फील करते, करेंटली क्या सोचते हैं। तो काफ़ी समय बाद ये अपडेटेड फीलिंग वाला वीडियो आ रहा है, तो आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप के सारे प्रीवियस मैसेज डिलीट हो गए हैं, तो जो भी आपको अभी करानी है रीडिंग, तो आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मुझे फ्रेश मैसेजेस करो, मुझे, मैं सबके रिप्लाई करूँगी। तो यस, उसके वीडियो स्टार्ट होने के पहले हम बोलेंगे एक प्रोटेक्शन प्रेयर। आप प्रोटेक्शन प्रेयर बोलोगे मेरे लिए बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो मैं रीडिंग डिलीवर करती हूँ तो थोड़ी नेगेटिविटी आई डू मतलब थोड़ी स्टिक हो जाती है, तो आप प्रोटेक्शन प्रेयर बोलोगे मेरे लिए। आपका जो भी रिलीजन है, कोई भी रिलीजन से आप हो, हर एक इंसान का एक प्रोटेक्शन प्रेयर होता है या कुछ भी। ओके, आप बोलो कि ये जो पर्सन ये मुझे मैसेज दे रहा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और आपका प्रोटेक्शन प्रेयर। ओके, स्क्रीन को पॉज करके प्लीज़ डू दिस फॉर मी इफ़ यू गाइज लव मी। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद है, आपको ऐसे ही चाहिए कि रीडिंग्स आती रहे, तो मेरे लिए ये चीज़ करो कि वीडियो को पॉज करो और अपना जो भी रिलीजन है, जिसमें भी जो भी प्रोटेक्शन प्रेयर है, आप मुझे बोलो एंड मैं भी करती हूँ। तो लेट्स टेक अ मोमेंट फॉर प्रेयर। ओके, अपने मन में बोलूँगी, तो आप भी मेरे लिए प्रे करना प्लीज़। थैंक यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं 3 पाइल। ये गणपति जी का जो ये छोटू सा स्टैचू है, ये है हमारा पाइल नंबर 1, आप देख लीजिए। एंड ये जो एमेथिस्ट का टंबल है, ये है हमारा पाइल नंबर 2। ओके, आप पॉज कर लीजिए वीडियो। ओके, एंड देन सी, ये जो थर्ड पाइल है वो है ग्रीन एवेंचरीन का टंबल, तो ये हमारा थर्ड पाइल है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ आपके सामने ताकि आप चूज़ कर लो। तो बेसिकली ये है हमारा पाइल नंबर 1, एमेथिस्ट का टंबल है पाइल नंबर 2, ग्रीन एवेंचरीन का टंबल है पाइल नंबर 3। तो आपको इन तीनों पाइल में से जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ करिए। वीडियो को पॉज करिए, अपना टाइम लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट द वीडियो, बट ये बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ टेक योर टाइम। ओके, ओके गाइस, आई होप आपने चूज कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लो एंड वी विल गेट स्टार्टेड विद आवर पाइल नंबर 1। ओके, स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1, देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या है उनके लिए। प्लीज हेल्प मी कनेक्ट टू पाइल नंबर 1। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1 के पर्सन इस वक्त, इस समय करेंट फीलिंग्स उनकी क्या है, उनके करेंट थॉट्स उनके लिए क्या है। ओके, ओके, पाइल नंबर 1, थोड़ा सा और क्लैरिटी लेना चाहती हूँ तो मैं ये यहाँ से आपके लिए थोड़े मैसेजेस निकालूंगी टू सी अगर
उनको कुछ और कहना है। दो मैसेजेस निकले हैं। ओके ओके, लेट्स गेट मोर क्लैरिटी। कैसा फील कर रहे हैं उनके पर्सन पाइल नंबर वन के बारे में? ओके ओके, करेंटली पाइल नंबर वन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है आपसे कोई चीज़ कम्युनिकेट करने की, कोई चीज़ आपको बोलने की, चीज़ों को आगे लेके जाने की, फॉरगिवनेस लाने की आपके कनेक्शन में, चीज़ों को अच्छा करने की, स्मूथ करने की। ओके क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने कुछ तो मिसअंडरस्टैंड किया था आपके बारे में, कुछ तो उन्होंने अजम्पशन बनाया आपके बारे में कि आप ऐसे हो या कुछ तो, और करंटली उनकी फीलिंग्स में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मुझे लग रहा है कि वो आपको लेके क्लियर बिल्कुल भी नहीं थे पास्ट में, वो बहुत बहुत टाइम लेते हैं लोगों को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए या फिर एक फीलिंग लेके आने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा क्रश की वाइब लग रही है, लेकिन क्रश अगर नहीं भी है आपका ये, तो ये जो भी पर्सन है ये बिल्कुल भी क्लैरिटी में नहीं था आपको लेके कि ये चीज़ क्या है जो वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। उनको हो सकता है काफ़ी सीक्रेट्स भी इस पर्सन ने आपसे रखे हो, काफ़ी झूठा दिखावा आपके साथ किया हो, आपको हो सकता है काफ़ी बुरा भी ट्रीट किया हो, और इस वजह से ये पर्सन बहुत एम्बेरेस्ड हो जाते हैं जल्दी। ओके तो अगर आपका कोई भी इंटरेक्शन रिसेंटली हुआ है जो बहुत ही ऑकवर्ड था या वियर्ड था या फिर चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं थी, तो वो इंटरेक्शन के बारे में वो बहुत सोचते हैं, वो जो भी चीज़ कहते हैं उसके बारे में वो बहुत डबल थिंक करते हैं। अगर ये आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये बस कूल है, ये ठीक है, ये सोच नहीं रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और वो जो भी बोलते हैं ना उसको दो तीन बार अपने माइंड में और रिवाइंड भी करते हैं। तो ये पर्सन बहुत एंग्शियस पर्सन है। ये पर्सन अगर आपको लग रहा है कि देर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन इस कनेक्शन में, तो इसलिए नहीं है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है या फिर इस पर्सन को आप पसंद नहीं हो, लेकिन ये इसलिए है बिकॉज ये पर्सन थोड़े से एंग्शियस है, वो एम्बेरेस्ड हो जाते हैं जल्दी, वो चीज़ें गलत नहीं बोलना चाहते, वो पिक्चर परफेक्ट रखना चाहते हैं सबको, सब चीज़ों को, और वो काफ़ी चीज़ें आपसे स्टार्टिंग में काफ़ी चीज़ें छुपाई थी, काफ़ी झूठा दिखावा किया था, और उन्होंने आपको भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंड किया था। मुझे ये फ्रेशली न्यू कनेक्शन हो सकता है, अगर नहीं है तो ये पर्सन को आप इतने अच्छे से जान नहीं रहे हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत चीज़ें खुल के आपको बता नहीं रहा है। ओके ये पास्ट की थोड़ी एनर्जी लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि ये फ्रेश एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेक था आपके साथ में। ओके बट यहाँ पर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ कनेक्शन आ रहा है। ये पर्सन को आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील हो रहा है, वो बहुत खुश भी है, लेकिन वो बहुत फेक करते हैं आपके पर्सन पाइल वन। मुझे लगता है कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ओके डेफिनेटली, लेकिन वो ना अपनी सच्चाई आपको बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, वो आपको अपना असली नेचर नहीं दिखा रहे हैं। वो जैसे असली में है ना, वो आपके साथ में खुल के बाहर नहीं आ पा रहे, वो आपसे खुल के बातचीत नहीं कर पा रहे। कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप दोनों का ब्लॉक्ड है, वो चाहते हैं कि आप दोनों थोड़े फ्री हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ, लेकिन ये खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं बिकॉज ये कुछ है और कुछ और दिखा रहे हैं। ओके इनके बहुत टू एक्सट्रीम साइड्स हैं। अगर इन्होंने थोड़ा सा अपना ये फेकनेस कम किया ओके और थोड़ा सा आपको दिखाया कि कुछ उनके अंदर फीलिंग्स या कुछ तो आपको हिंट वगैरह दिया, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन ये पर्सन बहुत डबल थिंकर है ओके ये बोलते हैं ना कि हमारे ब्रेन में हमेशा एक लेफ्ट और राइट साइड होता है। ये पर्सन हो सकता है कि जेमिनी हो सकता है या एयर साइन हो सकता है, लियो का बहुत स्ट्रांग आ रहा है, कैंसर भी हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है, डेफिनेटली वाटर साइन। बट जो भी ये पर्सन थोड़ा ड्यूअल माइंडेड है, ड्यूअल थिंकर है, और वो ड्यूअल आपको दिखाते भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा ये पर्सन के साथ बिकॉज ये बहुत ही दिखावटी कभी कभी अपने आप को आपके सामने रखते हैं। ओके तो इस पर्सन की फीलिंग यूजुअली आपके साथ में एक स्कैर्ड वाली फीलिंग आती है ये, क्योंकि देखो अगर आप जब भी अपने आप का असली रूप किसी के सामने रखते हो
तो देर इज नथिंग टू बी स्केर्ड, ओके, कोई डरने वाली बात नहीं है उस चीज में, आप असली हो, आप नकली नहीं हो. बट जब भी आप कोई फेकनेस दिखाते हो किसी को कि यू नो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये तुम कुछ भी करो, ये मतलब एक फेक वाइब क्रिएट करते हो कि या जो तुम हो भी नहीं, असली में जो तुम हो भी नहीं, तो तुम हमेशा डर के रहोगे, तुम हमेशा सहमे सहमे से रहोगे. तो ये पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही है. ये पर्सन थोड़े नर्वस हो सकते हैं, थोड़ी जल्दी शाय हो जाने वाले पर्सन हो सकते हैं. ये फीमेल मेल कुछ भी, जो भी है आपका जेंडर, जो भी आप जिससे भी क्रश कर रहे हो, लाइक करते हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ये पर्सन थोड़ा स्केर्ड और थोड़ा सा नर्वस काइंड ऑफ एनर्जी में है. बात बहुत सारी है करने को, बहुत सारी, लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि डर, फियर, ये फियर ऑफ टॉकिंग हो सकता है, फियर ऑफ बीइंग एम्बैरस्ड हो सकता है. ये पर्सन को एम्बैरस्ड, फुलिश दिखना पसंद नहीं है. ये पर्सन को हमेशा एक कूल और एक हैप्पी वाइब में रहना पसंद है. और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपकी ज़्यादा डीप कन्वर्सेशंस भी नहीं हुई है, बहुत सरफेस लेवल कन्वर्सेशन हो सकती है. ये पर्सन को और कनेक्शन को आगे लेके जाना है, लेकिन ये जो नर्वस एनर्जी है ना, ये इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़े टाइम में आप खुद इरिटेटेड हो जाओगे, क्योंकि ये पर्सन वो एनर्जी से निकलने को ही तैयार नहीं होगा. सो ये थोड़ा इश्यू हो सकता है, बिकॉज यू विल फील वेरी डिस्गस्टेड कि ये क्या हो रहा है. ओके, देयर इज डेफिनेटली समथिंग, लेकिन ये चीज़ एड्रेस क्यों नहीं हो रही है, ये चीज़ एड्रेस होनी चाहिए. तो ये चीज़ एक है, लेट मी सी मोर. या डेफिनेटली मुझे लगता है पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया हो सकता है पास्ट में, जहाँ पे ये पर्सन ने कुछ, और अगेन मेरे को बहुत बनावटी फीलिंग आ रही है, मुझे नकलीपन दिख रहा है. ये पर्सन पास्ट में या रीसेंट पास्ट में बहुत नकलीपन आपको दिखाया हो सकता है इस पर्सन ने, लेकिन ये चीज़ों को आप मानोगे नहीं, लेकिन इम्प्रूव कर रहे हैं इंटरनली. वो चाहे स्लो कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली वो इम्प्रूव कर रहे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है. ये चीज़ों को वो हटाना चाहते हैं. ये पर्सन को डेफिनेटली आपसे फीलिंग है, कोई वजह से ये आगे नहीं आ पा रहे, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है. अगर नहीं है थर्ड पार्टी, तो ये ज़्यादा करके मुझे लगता है मेजरली ये उनकी खुद की एंग्जाइटी. अगर थर्ड पार्टी है भी, मैं ये बोल रही हूँ थर्ड पार्टी है भी ना अगर, तो थर्ड पार्टी इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि वो आपके पास नहीं आ रहे. इट इज़ मोर फियर ऑफ बींग लुकिंग स्टूपिड, फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड. मतलब मैं जो कहूँगा क्या उसकी कोई वैल्यू वर्थ रहेगी, या फिर मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, डबल थिंकर. बोलने से पहले 100 बार सोचना. कम्युनिकेशन जितना वो करने की चाह रखते हैं, उतना ही वो डर रखते हैं. तो इस वजह से आप इरिटेटेड डेफिनेटली हो सकते हो, बिकॉज ये पर्सन बहुत स्केर्ड है. ये पर्सन डेफिनेटली आपको थोड़े झूठ बोले हो सकते हैं, थोड़ा इग्नोर ट्रीटमेंट दिया हो सकता है, डिटैच हो सकते हैं, कुछ तो बुरा ट्रीट इन्होंने कुछ किया हो सकता है, जिस वजह से आप थोड़े इरिटेटेड दिख रहे हो यहाँ पे. ओके, आपकी जो वाइब है थोड़ी इरिटेटेड है इस पर्सन के साथ. लेट्स सी मोर करेंट फीलिंग्स, व्हाट इज द करेंट एनर्जी. ज़्यादा करके ये पर्सन आपसे डीपली कर, या आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, या आपसे, देखिए ये इनकी जो डीप इच्छा है ना, वो चीज़ों को आगे बढ़ाने की इच्छा है. वो ये जो थोड़ा फ्लर्टी एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, थोड़ा चार्मिंग दिखना चाहते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन और बढ़ाना चाहते हैं. अगर आपकी जो भी कम्युनिकेशन है या फिर नहीं है, ये इंसान को सबसे बड़ी विश है कि ये आपसे कम्युनिकेट करे, ओके, चीज़ें आगे बढ़ाए. और यस, बट अगेन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं उनको इस चीज़ को लेके, बहुत डर, फियर, एंग्जाइटी. हो सकता है डेफिनेटली इस पर्सन ने पास्ट में कुछ गलत किया हो सकता है आपके साथ, जिस वजह से ये सामने से आने से डर रहे हैं. ओके, व्हाट इज़ द डीपेस्ट विश विद दिस कनेक्शन. ओके, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन मेजर लग रहा है. ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते, बहुत सारी बातें क्लियर भी करना चाहते अगर आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. ये पर्सन अपनी बात भी रखना चाहते हैं, बट अगेन वो फियर आ जाता है बीच में. ये इनका इंटरनल है. अगर एक्सटर्नल पार्टी भी है, जैसे कि वर्क प्लेस एनवायरनमेंट हो, कुछ भी हो, ये पर्सन आपके लिए बहुत डीपली फील करते हैं और वो ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते. और कहीं ना कहीं इनकी डीपेस्ट विश यही है कि ये चीज़ वो एक्सप्रेस करें आपको. ओके, आपकी एनर्जी उन्हें बिल्कुल इन्वाइटिंग नहीं लगती. उनको लगता है कभी कभी वो करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनको आपका समझ नहीं आता. दे कैन नॉट रीड यू. वो आपका समझ नहीं पाते, वो आपको समझ नहीं पाते, इस वजह से वो अपनी बात नहीं रख पाते खुल के.
उन्होंने बहुत कोशिश की है इस कनेक्शन को इग्नोर करने की, बहुत कोशिश की है, किस वजह से की है. काफ़ी गॉसिप्स हो रही है आपके कनेक्शन के बारे में, अगर लोगों को पता नहीं भी है, आई फील इस कनेक्शन, जो भी कनेक्शन है, ये सीक्रेट रहना चाहिए, ये कनेक्शन डिस्क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत नेगेटिव थॉट्स, बहुत नेगेटिव टॉक्स, ठीक है, काफ़ी सारे लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे. ओके, ऐसे लग रहा है कि अगर वो बहुत जज करते अपने आप को, अपने आप में इतने कॉन्फिडेंस भी नहीं है, उनको कॉन्फिडेंट भी नहीं है वो बहुत ज़्यादा. साथ साथ में पर्सन थोड़ा एडिक्टेड हो सकते हैं कोई चीज़ों से, जैसे कोई सब्सटेंस, ड्रिंकिंग, दिस दैट, और बस गॉसिपिंग भी मुझे लगता है पर्सन थोड़े गॉसिपर हो सकते हैं, या फिर उनके पीठ पीछे बहुत सारी गॉसिप्स हो रही है, आपके कनेक्शन के पीछे बहुत सारी गॉसिप्स हो रही है. अगर आपका कनेक्शन किसी को पता नहीं है तो किसी को पता चलना भी नहीं चाहिए. कीप दिस कनेक्शन अ सीक्रेट इज माई बिगेस्ट एडवाइस. ये पर्सन को बहुत बड़ा फियर है कि चीज़ें तबाह हो जाएगी, टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एंड ये फियर कहाँ से तो आ रहा है, यू विल नो इट बेटर, ये कहाँ से फियर आ रहा है, लेकिन ये कनेक्शन शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड. ये कनेक्शन को मुझे लगता है ये सीक्रेट रखना चाहते हैं, या फिर इस कनेक्शन में अपना टाइम लेना चाहते हैं. ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये पर्सन कोई अथॉरिटी में हो सकते हैं, कोई पोजीशन में हो सकते हैं, जहाँ पे वो सब कुछ खो सकते हैं इस कनेक्शन के पीछे. वो अपना सब कुछ नहीं खो सकते इस कनेक्शन के पीछे, अपना थॉट्स. उनको लगता है ये कनेक्शन कभी कभी उनको बहुत नेगेटिव स्टेट में डाल देता है, काफ़ी ज़्यादा. उनको जो फीलिंग आती है ना, ये डर की, फियर की, एंग्जाइटी की, ये उनको ज़रा पसंद नहीं है. बट आपको समझना पड़ेगा कि कुछ अच्छा होता है तो उससे पहले कुछ फीलिंग आती है. एंग्जाइटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज फीलिंग्स जो आपको आती है, इट इज़ वेरी नॉर्मल. ओके, तो उसको आपको डील करना है. जब आप कुछ चीज़ नहीं कर रहे हो सही, तो आपको एंग्जाइटी होगी भाई, होगी. तो दिस पर्सन नीड्स टू रियलाइज कि वो कितना कंट्रोल करेगी सिचुएशन, कितना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं. दे हैव अ ह्यूज डिज़ायर फॉर यू, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये कनेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये अपने आप में बहुत गंदा महसूस करेंगे. अब ये मुझे क्यों लग रहा है, या तो ये कनेक्शन वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है, कोई पोजीशन पे है ये इंसान, या फिर इस पर्सन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. वो आपका, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, ठीक है, आपके लिए. दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, नॉट लाइक डीप मोहब्बत, लेकिन देर इज़ इनिशियल फीलिंग्स है उनको, लेकिन वो आप पे सब कुछ खोना नहीं चाहते, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते इस वक्त. उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें उनको लगता है कहीं ना कहीं वो कुछ गलत करेंगे अगर वो इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे. ओके, ये क्यों लगता है उनको ही पता, बट दे डेफिनेटली फील कि कुछ गलत हो जाएगा, या वो कुछ गलत करेंगे अगर वो इस कनेक्शन को परसीव करते हैं. तो ठीक है, लेट्स सी मोर, व्हाट आर देयर फीलिंग्स. यू आर फीलिंग समवेयर एंग्री, मुझे लगता है. अगर आप अभी भी गुस्सा नहीं फील कर रहे हो तो आने वाले दिनों में आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिख रहे हो मेरे को. थॉट्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके ख्यालों में है. अगर ये आपसे बात भी नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं वो बहुत इमेजिन करते हैं आपके बारे में, बहुत फैंटेसाइज करते हैं, बहुत चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं. अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली एस्ट्रली थॉट्स में, टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा ये आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं. और मुझे यहाँ पे एक वाइट बर्ड और एक क्रो. अगर आप ज़्यादा कौवे देख रहे हो, या फिर वाइट बर्ड आपने देखा है, या फिर कोई वाइट कैट आपने देखी है कोई समय पे, कोई टाइम पे, तो दैट मीन्स कि ये पर्सन उस समय आपके बारे में सोच रहा है बहुत हैवीली, और आपसे वो बात करना चाहता है. तो अगर आपने कोई वाइट कैट या वाइट बर्ड या फिर एक क्रो देखा और बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको ये सारी चीज़ें, तो दिस मीन्स दिस पर्सन इज़ वॉन्टिंग टू टॉक टू यू एट दैट मोमेंट. ओके, ट्रू लव. ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या यही प्यार है क्या यही प्यार है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब सख्त इंसान है. ये इतना फीलिंग्स में बहते नहीं है, उनको फीलिंग्स काफ़ी
इरिटेटिंग लगती है और काफ़ी गुस्सा आता है उनको फीलिंग्स पे जब वो अटैच हो जाते हैं इमोशनली किसी से, तो वो चीज़ उन्हें बहुत गुस्सा दिलाती है. उनके काफ़ी नेगेटिव व्यूज़ है फीलिंग्स के बारे में. ये पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट लग रहे हैं मुझे. ये पर्सन थोड़े एज्ड हो सकते हैं, अगर एज्ड नहीं है मेल या फीमेल तो उनकी थोड़ी ट्रेडिशनल माइंडसेट हो सकती है या फिर उनका थोड़ा बैकवर्ड थिंकिंग हो सकता है कि भाई मैं खो दूंगा, मैं डूब जाऊंगा, या फिर उनको बैलेंस करने नहीं आएगा. तो वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या यही प्यार है. बार बार मुझे ये याद है, क्या यही प्यार है. ये गाना है कोई तो आप देख लो, उसमें मैसेजेस होंगे आपके लिए. फाइटिंग इट, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन ये कनेक्शन से दूर रहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये आपसे बात ना करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, या आपको ना देखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनका जो डिज़ायर है ना आपसे बात करने का, वो इतना स्ट्रांग है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे. और उनको, इस पर्सन को आदत है बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करने की, क्योंकि उनके हिसाब से, उनके दिमाग में उनको ऐसे लगता है कि अगर उन्होंने नहीं किया तो चीज़ें बहुत तहस महस हो जाएगी. अब वो क्यों होगी, क्या यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, क्या यहाँ पे कोई वर्क प्लेस कनेक्शन है, क्या ये कनेक्शन में एज डिफरेंस है, क्या ये पर्सन को सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज है, ये सारी चीज़ें एक कारण हो सकती है कि ये पर्सन अवॉइड करना चाहते हैं कनेक्शन बहुत डीपली. और स्पेशली ये पर्सन अगर इमोशनली लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते, मैंने ऐसे क्यों किया मुझे समझा नहीं, तो अगर ये पर्सन जल्दी इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं होते और आपसे हो रहे हैं सरप्राइजिंगली, अगर आपने कुछ चीज़ें देखी जो वो किसी के लिए नहीं करते और वो आपके लिए कर रहे हैं ऐसी कोई चीज़ें, तो आप समझ जाओ कि ये पर्सन डेफिनेटली लाइक्स यू. बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा एंड यू विल फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन द कमिंग डेज, मैं तो पहले ही बता रही हूँ. लेकिन इट इज़ ऑल them fighting this connection, not wanting to talk to you. हिंदी बात करो, हिंदी. ओके, ये पर्सन ज़्यादा स्कैर्ड इसलिए भी है, इनको पता है इन्होंने कोई तो तरीके से आपका दिल दुखाया है, ठीक है. चाहे ये तरीका जो भी चीज़ है, एड्रेस हुई है नहीं हुई है मुझे नहीं पता, इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इन्होंने आपको बुरा फील कराया है, इन्होंने आपको किसी तरीके से हर्ट किया है. और अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग, थॉट्स और कंट्रोलिंग नेचर के वजह से ये सारी चीज़ें बिगड़ रही है, जो कि इतनी ईजिली समझ सकती है. लेकिन उनका फियर बहुत स्ट्रांग है, कभी कभी वो आपको लेके भी डबल माइंड में चले जाते हैं, एंड जिस वजह से वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको बहुत हर्ट करती है. और वो बहुत, एक चीज़ है कि वो बहुत अवेयर है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि दिस पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल मैन और वुमेन. ओके, जो भी है ये पर्सन थोड़ा रिस्पॉन्सिबल थिंकर है, बहुत लॉजिकल, नॉट मच इमोशनल. बट क्योंकि उनको इतना इमोशंस फील हो रहा है, तो एक थोड़ा सा डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये फीलिंग पसंद नहीं है, ये जहाँ जा रहा है मुझे उसका रास्ता पता नहीं है. मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप एक रिक्शा में बैठे, आपको पता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपको पता है कि आपको ये रास्ते से जाना है तो वो जगह आ जाएगी, तो यू विल फील सेफ कि हाँ मुझे पता है मुझे यहाँ जाना है, मुझे डेस्टिनेशन पता है मेरी. लेकिन अगर आपने बोल दिया रात को रिक्शा वाले को कि आप मुझे कहाँ भी लेके जाओ, थोड़ा फियर तो रहेगा, क्योंकि फियर ऑफ अननोन. ये पर्सन को है फियर ऑफ अननोन, पता नहीं आगे क्या, पता नहीं क्या होगा अगर सब बिगड़ जाएगा. तो आप समझो इस पर्सन का माइंडसेट कितना ज़्यादा. एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ना हमेशा, एक रिस्पॉन्सिबल मैन और वुमेन हमेशा अपने फ्यूचर के स्टेप्स बहुत सोच समझ के लेते हैं, बट वही सोच काफ़ी चीज़ें, अच्छी चीज़ें लाइफ से दूर कर देती है उनके. क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसमें इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम वही गलती करते हैं कि हम इतना दिमाग लगाते हैं कि वो जो सही इंसान है वो हमसे दूर हो जाता है. पर ये पर्सन की थिंकिंग ही ऐसी है कि उनको पता रहना चाहिए कि ये चीज़ जा कहाँ रही है, ये चीज़ किस रास्ते से जा रही है, और उस रास्ते में मुझे क्या क्या दिखेगा, क्या क्या मिलेगा, क्या वो मुझे पसंद आएगा जो मुझे दिखेगा, क्या वो चीज़ें मेरे फेवर में होंगी. तो ये सारा एक कंट्रोलिंग नेचर है जो उनका है. तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी उनके माइंडसेट के बारे में. उनकी हरकतें मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इनका माइंडसेट क्या है अभी. ओके, थोड़ी सी उनकी डिज़ायर्स देख लेते हैं. देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन और आपका कनेक्शन बहुत प्यारा है,
आप लोग का एक बहुत स्ट्रांग सोलमेट कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांग. मैं ट्विन फ्लेम वगैरह में नहीं बोलूँगी, जो मुझे दिख रहा है मैं बोलूँगी. यू मेक दिस पर्सन वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी. आप बहुत इस पर्सन को बहुत खुश करते हो. आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो. आप दोनों के बीच में एक डीप फीलिंग है जो अट्रैक्शन से काफ़ी पार है, काफ़ी परे है. अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है या फिर उनको लग रहा है ये गलत है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही जल्दी. ओके, जो भी यहाँ पे फियर है ना, वही इस कनेक्शन का दुश्मन है, आपके साइड से या उनके साइड से, जो भी है. ट्रस्ट, देखा जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि यहाँ पे थोड़े ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिख रहे हैं. या आपको समझ नहीं पा रहे, आप इनको समझ नहीं पा रहे, या आप पे ट्रस्ट कर नहीं पा रहे, आप इन पे ट्रस्ट कर नहीं पा रहे. ये होता क्यों है? जब हम एक झूठा दिखावा करते हैं, हम एक मास्क डालते हैं. मैं ये नहीं बोल रही कि आप कुछ सही हो, आपने भी काफ़ी चीज़ें फेक की है. आप भी अपने आप को खुल के रख सकते हो और तरीके से, आपने रखा भी होगा, आपने चीज़ें की भी होगी, लेकिन वो इनफ नहीं है इस पर्सन के लिए. तो कहीं भी आपको लगे कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ रहा है, डू इट. क्योंकि आपको नहीं पता उस चीज़ से क्या हो जाए, क्या ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाए. आप दोनों के बीच का एक बड़ा इशू यही है कि ट्रस्ट. ओके, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इज़ अ फैक्टर, ट्रस्ट इज़ द प्रॉब्लम. आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. और कहीं ना कहीं कनेक्शन का आपके लाइफ में आने का बड़ा मकसद ही ये है कि आप दोनों को ट्रस्ट हो. ठीक है, ट्रस्ट हो सकता है आपका इशू हो या फिर उनका इशू हो. ट्रुथ, देखा जैसे मैंने कहा कि कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ नकलीपन है, कुछ फेकनेस है, जो जब तक निकलेगी नहीं, चाहे वो आपके साइड से है, इनके साइड से है, चीज़ें हमेशा हवा में ही रहेंगी, चीज़ें हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगी आपके हिसाब से. क्यों? क्योंकि सच्चाई और भरोसा मिसिंग है इस कनेक्शन में. सच्चाई और भरोसा बहुत मिसिंग है. ये पर्सन को आपके ड्रीम आ सकते हैं, आपको इनके ड्रीम आ सकते हैं, बिकॉज ये कनेक्शन अगेन सोलमेट कनेक्शन है. चाहे वो सेक्सुअल ड्रीम हो या फिर नॉर्मल ड्रीम हो, आप इनके ड्रीम में आए हो. ओके, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन. अगर आप सोच रहे हो ऐसा, तो ज़रूर ऐसा हुआ है. किसी का बर्थडे आ रहा हो सकता है, किसी का बर्थडे हुआ हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है. बर्थडे अगर किसी का आ रहा है, तो कुछ चेंजेस उस टाइम पे आ सकते हैं. अगर किसी का हो गया है, तो मतलब साइन है, मतलब दैट इज़ द मैसेज फॉर यू. ओके, दे वॉन्ट टू बी रोमांटिक विथ यू, बट डू नॉट नो हाउ. कैसे करूँ मैं, एक्सप्रेशन का इशू है यहाँ पे. ओके, थोड़ा और देख लें. डिसअपॉइंटेड, चीज़ें जैसी भी अभी चल रही है, ये पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है. आप देख सकते हो उनकी शक्ल, दे आर नॉट हैप्पी. ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है जैसे चीज़ें चल रही है. दे आर ऑल्सो बिट बोर्ड, कि मतलब मेरे को लगता है कि चीज़ें उतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ रही है जितना आप दोनों चाहते हो. लेकिन ये गलती भी आप दोनों की ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक फेकनेस जब तक नहीं निकलेगी, एक नकलीपन जब तक नहीं निकलेगा, चीज़ें ऐसे ही रहेगी. किसी ना किसी को तो खुल के एक स्टेप लेना पड़ेगा. ओके, और फॉरगिवनेस लानी पड़ेगी, चाहे जिसने जो भी किया है. अगर आप कनेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है, बात करो, सॉर्ट करो. ट्रस्ट और ट्रुथ हमेशा आपकी कनेक्शन का सबसे बड़ा एडवाइस मुझे आपको देने वाली वो है. इंग्लिश में बोलूँगी ट्रस्ट और ट्रुथ, हिंदी में बोलूँगी भरोसा और सच्चाई. ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, यही चीज़ मिसिंग है इस कनेक्शन में. ओके, वॉट एल्स, what else is the message from a pile one. काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप दोनों कांटेक्ट में कम हो या बातचीत नहीं हो रही है, ये पर्सन को थोड़े फ्लैशबैक्स आ सकते हैं, जहाँ पे उनको आपका चेहरा नज़र आ रहा है, या फिर कुछ मूवमेंट आप दोनों के बीच में हुआ होगा जो अच्छा होगा वो उनको याद आ रहा है, कोई चैट्स होंगी जो वो देख रहे हैं. तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू. बात करने की, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ी इच्छा सामने आ रही है. व्हाट एल्स, कुछ सेपरेशन वाली भी आ रही है. हो सकता है आप दोनों की बातचीत इतनी नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है, या फिर इतनी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सकता है. तो हो सकता है कोई थक गया है इस कनेक्शन में, सच्ची बोलूँ तो कोई थक गया है. एंड समवन इज टेकिंग इट एज अ लेसन, बट दूसरा पर्सन इतना अच्छे से ये चीज को ले नहीं पा रहा है. दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू. प्यार करना बहुत लोग सिखाते हैं, पर अफसोस उस प्यार को भुलाते कैसे हैं, ये साला कोई नहीं सिखाता.
तो कुछ मुझे मूविंग ऑन, सैड वाइब्स, बातचीत कम, कोई कोई तो हट रहा है, कोई थक रहा है इस कनेक्शन से, कोई डिस्टर्ब्ड है, कोई गुस्सा है. तो ऐसा लग रहा है कि कैसे मूव ऑन किया जाए, क्योंकि ये कनेक्शन था भी बहुत स्ट्रांग, उसका इफेक्ट भी बहुत स्ट्रांग है, पर चीज़ें आगे भी नहीं बढ़ रही, उस चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ज़्यादा है. तो ये चीज़ें काफ़ी परेशान कर रही हैं. पर्सन फिर भी बहुत क्रेव करते हैं आपको देखना. अगर किस वजह से आपको इनका चेहरा नहीं दिखता या फिर इनको आपका चेहरा नहीं दिखता, तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन, वो देखने का मन, वो जो चाह है, इस पर्सन के पास आपकी फ़ोटोज़ हो सकती है या फिर आपके पास इनकी फ़ोटोज़ है, जो भी है, दे जस्ट आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू. बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, पर इमोशनली भी बहुत कनेक्टेड है आपसे. बट जैसे मैंने कहा आपको, मैंने बताया कि इस पर्सन का माइंडसेट कैसा है, करेंटली इनका दिमाग कहाँ पे है. तो आई डेफिनेटली फील यू शुड वेट फॉर अ वाइल, देखते हैं इस कनेक्शन में आगे क्या होता है. पर अभी के लिए जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो ये हैं. एंड एक और कार्ड निकालती हूँ. ये पर्सन मुझे लगता है कि थोड़े समय के बाद अप्रोच करेंगे आपको, कुछ जेस्चर आपके लिए करेंगे, कुछ पॉजिटिवनेस आएगी जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे. अपने ऊपर ध्यान दो ज़्यादा, इस कनेक्शन पे फोकस जितना करोगे उतना कनेक्शन दूर जाएगा. अपने ऊपर ध्यान दो, कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ अप्रोच करेंगे आपको, कुछ कॉन्फिडेंस आएगा इस पर्सन में. सो होप फॉर द बेस्ट गाइज. दैट वॉज योर रीडिंग. अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम है और मेरा व्हाट्सएप है. जैसे मैंने कहा, मेरा व्हाट्सएप हो गया था वाइप आउट. तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा अगर आपको रीडिंग बुक करनी है. एंड यस, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. कमेंट करना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हेलो डियर पाइल नंबर टू, अगर आपने चूज़ किया है ये एमेथिस्ट का टम्बल, तो ये है आपकी रीडिंग. तो देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त क्या आपके तरफ एनर्जीज है, क्या आपके तरफ फीलिंग्स है. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो भी पर्सन है जो आपके दिमाग में है, ओके, हेल्प मी कनेक्ट टू पाइल नंबर टू प्लीज. जिसने भी ये एमेथिस्ट चूज़ किया है, उनके पर्सन की उनकी तरफ क्या एनर्जीज है. ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है आपकी तरफ इस वक्त. ओके, मुझे डेफिनेटली फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ कुछ नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ मुझे वेटिंग दिख रहा है. ये पर्सन बस रुके हुए हैं, आपको कुछ नहीं दे रहे, आपको इस पर्सन से कुछ नहीं मिल रहा. ठीक है, ये जो भी पर्सन है, ये जो भी आपके क्रश है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी आपके साथ आपको डिसकनेक्टेड लग रही है, या फिर उन्होंने खुद वो चीज़ की है, डिसकनेक्ट की है आपसे एनर्जीज. ये पर्सन की तरफ से मैं अज्यूम कर रही हूँ ये कार्ड्स देख के कि इस पर्सन ने आपको वेटिंग पे रखा है, या फिर ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है. ये पर्सन बहुत होपलेस फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में. ये पर्सन ने अपने लाइफ से काफ़ी सारी चीज़ें निकाली है, काफ़ी लोगों को निकाला है, काफ़ी चीज़ें जो उनको स्ट्रेस और एंग्जाइटी और टेंशन देती थी, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को कट ऑफ किया है. वो ज़रूर इस प्रेजेंट वक्त पे काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं. और वो ज़रूरी नहीं कि वो इस कनेक्शन के वजह से ही अकेला फील कर रहे हैं. ये पर्सन ने अपने आप को बहुत लोगों से दूर कर दिया है, बहुत अपने आप को अकेला कर दिया है. ये पर्सन अभी बहुत अपने ऊपर, अपने साथ ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं. ये पर्सन थोड़े लोनली एनर्जी में जा रहे हैं, ये अकेला रहना चाहते हैं, अकेले रह रहे हैं, ये बस देख रहे हैं चीज़ों को, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आपको स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे इनके तरफ से आपको कुछ नहीं मिल रहा. ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग. ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई खास एक्शन नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे बस एक सेल्फिश नेचर दिख रहा है, जहाँ पे ये पर्सन अपने आप पे फोकस करना चाहता है, ये चीज़ों से ब्रेक लेना चाहता है, ये कोई ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता.
कोई भी ऐसी चीज़ जो इस पर्सन को कोई भी टॉक्सिक एनर्जी देती है या फिर ऑब्सेस्ड करती है, ये इंसान उस चीज़ को कट कर देता है अपने लाइफ से. ओके, ये इंसान जो भी है, मेल और फीमेल, इज़ वेटिंग. ओके, ये सब उनका, पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ये पर्सन का थोड़ा डार्क साइड है. ओके, पाइल नंबर टू, आई फील योर पर्सन इज़ सेल्फिश, मैनिपुलेटिव, ये सब उनका गेम प्लान है. एंड आई फील ये जो भी पर्सन है, ये जो अभी इस वक्त आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं, वो आपको देना कुछ नहीं चाहते, बट ये पर्सन चीज़ों को ऐसे कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि उनको जो आपसे चाहिए वो मिले. दिस पर्सन इज़ कंट्रोलिंग. ये पर्सन की थोड़ी डार्कनेस है. ये पर्सन के इंटेंशंस इतने प्योर मुझे नहीं लग रहे हैं. पाइल टू, ये पर्सन आपको दे नहीं रहा कुछ, कुछ एक्शन नहीं कर रहा या कर रही जो भी है. दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू व्हाट यू डिजर्व, बट ये आपसे लेना बहुत कुछ चाहते हैं. ये अपने हिसाब से चीज़ों को घुमा रहे हैं, क्योंकि ये गेम, ये माइंड गेम्स है. ये दिस इज़ माइंड गेम, दिस इज़ प्योर माइंड गेम. द रीज़न वाई, अगर आप सोच रहे हो कि पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहा, या फिर आपको इतना क्यों नहीं दे रहा, या फिर इतना इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ देयर गेम टू गेट वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम यू. दिस पर्सन इज़ बिहाइंड द सीन्स. असली में वो आपसे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है आप में, लेकिन ये पर्सन ईगो इज़ टू बिग ऑफ एन ईगो. मैनिपुलेटिव, वेरी शातिर, वेरी स्मार्ट. पाइल टू. माय गॉड, लेट्स सी, व्हाई डिड यू गिव मी द डेविल? डेविल क्यों दिया? कार्ड इज मेरे क्या? व्हाई डिड यू गिव मी द डेविल? ये पर्सन कोई मैरिज में हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं, ठीक है, कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. इनकी लाइफ आपसे भी हट के कुछ है. मुझे ऐसे लग रहा है कि दे हैव अ सेपरेट लाइफ, जहाँ पे उनका अलग काम है, उनका अलग परिवार है, उनका अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो. मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन की बहुत मुलाकातें भी होती है, होती भी होंगी तो ये पर्सन से आपको कुछ नहीं मिल रहा. दिस पर्सन इज़ अ मास्टर मैनिपुलेटर, वेरी बिग. ओके, लुक एट दिस टू मैजिशियंस. ये बहुत कॉन्फिडेंट है पर्सन, ये दिखते नहीं रहेंगे, लेकिन ये अपने, उनको पता है उनके लिए क्या चीज़ सही है, उनको पता है जो उनको चीज़ चाहिए वो उनको मिलेगी, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं वो चीज़ को पाने के लिए. अगर उनकी चाह में आप हो, वो किसी भी हद तक आपको पा के लेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे वो उनका, उनके ऊपर है. इट इज़ लाइक ऑल माइंड गेम्स. दिस पर्सन इज प्लेइंग माइंड गेम्स. लुक एट दिस टू मैजिशियंस. इट इज़ कि जो अकेला रहना, दूर रहना, बात ना करना, आपको आपके हिस्से की चीज़ ना देना, आपके हिस्से का अटेंशन ना देना, थोड़ा दूर रहना, ये जो सब, ये सब कुछ एक माइंड गेम है. ओके, आप इस पर्सन को बहुत सेटिस्फाई करते हो, डेफिनेटली दिस पर्सन इज आल्सो बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे, बट ये पर्सन की एक सेपरेट दुनिया भी है. ये पर्सन का अलग काम, मुझे लग रहा है अलग कुछ करते हैं ये आपसे. इनका पूरा फोकस आप नहीं हो, इनका और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिख रही है. पढ़ाई हो सकती है, काम हो सकता है, परिवार हो सकता है, जिम्मेदारियां हैं, बट ये पर्सन इज वेरी चालाक. यस, ये पर्सन पूरी तरीके से सच्चाई अपने आप को दिखा नहीं रहे हैं. इस पर्सन इज वट आर द ट्रू इंटेंशंस, क्या इंटेंशन है इसके, सच्चे इंटेंशन क्या है इस पर्सन के फाइल टू को लेके? या आपको विद द डेविल, सी, ओ माई गॉड, वॉट इज दिस रीडिंग. आई माई ओके, तो यहाँ पे हमें आए दो मैजिशियंस, यहाँ पे हमें आए दो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, यहाँ पे हमें आए इंटेंशंस के लिए, इस पर्सन के इंटेंशंस, द डेविल. कैन यू सी दिस? इट इज लाइक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीन कार्ड्स इस रीडिंग के लिए.
देखिए मैं आपको आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बताती हूँ, ये आपको कुछ नहीं देंगे, इस कनेक्शन में हमेशा एक इम्बैलेंस रहेगा, ओके? ये आपको कुछ दिखाएंगे, कुछ और है ये इंसान। ये इंसान के इंटेंशंस आपको लेके काफ़ी सेल्फिश है, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से इमोशनलेस हो। ये पर्सन डेफिनेटली फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपको बहुत बहुत ऑब्सेसिव है ये पर्सन आपको लेके, बट इट इज़ मोर ऑन सेल्फिश साइड, ठीक है? जिस समय इस पर्सन को आपसे कुछ हासिल हो जाएगा या ये बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे आपका अटेंशन लेने के लिए, आपका रिएक्शन देखने के लिए, इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब मैं कुछ ऐसा बोलूँगा, ठीक है, ऐसा बोलूँगा या बोलूँगी ताकि मैं आपका रिएक्शन देख सकूं कि आप कैसा रिएक्ट करते हो। ये पर्सन बहुत शातिर है और इस पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके यही है कि ये आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे, अपने ईगो को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, लेकिन वो एट द एंड आपसे वो चीज़ हासिल करेंगे जो उनको चाहिए, ओके? ये एक मैरिज में हो सकते हैं, ठीक है, ये जो भी थर्ड पार्टी में है, कोई भी सिचुएशन में है, जो भी आपका कनेक्शन है, बट ये पर्सन की जब मैं इंटेंशंस पे देखूं तो वो ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं, वो ज़्यादा सेल्फ ऑब्जर्व्ड, बहुत बड़ा इंसान, सेल्फ ऑब्जर्व्ड ये पर्सन थोड़ा नार्सिसिस्टिक हो सकता है, थोड़ा टॉक्सिक पर्सन हो सकता है। ये पर्सन के ट्रेड्स थोड़े टॉक्सिक है, आई मी माई सेल्फ वाला इंसान हो सकता है। दे आर मोर ऑन द डार्क साइड विथ यू। ये हैवीली कार्मिक कनेक्शन है, ये कार्मिक कनेक्शन है, ओके 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 ओके। बहुत सारी जगह मुझे बहुत सारी चीजें आ रही है, ठीक है, हम देखते हैं कि पर्सन अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। ये जल्दी अपनी चीज़ें आपको बताएंगे नहीं, आप समझ नहीं पाओगे इस इंसान को कभी। ये कनेक्शन बहुत हैवीली कार्मिक है, ओके? आप दोनों बहुत टाइट फील करोगे एक दूसरे के साथ में, बंधे हुए जैसे, कुछ ऑब्सेशन आप दोनों को एक दूसरे से हो सकता है, मैड, ओके। ये जैसे मैंने कहा, ये पर्सन थोड़े सेल्फिश है, नार्सिसिस्टिक है, अग्रेसिव है, इस पर्सन का बहुत बड़ा डार्क साइड है, ये पर्सन बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं अपने लिए भी और आपके लिए भी। ये पर्सन इस वक्त आपसे गुस्सा है क्योंकि ऑब्वियसली एक नार्सिसिस्टिक पर्सन जिसको सिर्फ अपना ख्याल है वो क्या देगा आपको गुस्से के अलावा, आपको क्या लगता है आपको क्या मिलेगा उससे? दिस पर्सन इज करेंटली मैड एट यू। आप दोनों का कनेक्शन मुझे इतना कनेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे वो लीड कर रहे हैं, ओके? यहाँ पे थोड़ा आपका कुछ गलत झगड़ा वगड़ा हो सकता है, लेकिन झगड़े से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि इनके इंटेंशंस है। ये पर्सन को जब चीज़ें नहीं मिलती, हासिल नहीं होती या उनके हिसाब से नहीं होती, उनको वो रिएक्शन नहीं मिलता जो उनको चाहिए, ये इंसान बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इंसान को चीज़ें कंट्रोल करना, आपको कंट्रोल करना बहुत पसंद होगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, ये आपको चाहते हैं कि आप इनके हाथ में आओ, इनके पास आओ, लेकिन इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ सेल्फिश रीजंस। यहाँ पे कोई भी लेवल का मुझे इमोशंस, कंपैशन या फिर कोई भी लेवल की एम्पैथी मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे यहाँ पे सेल्फिश इंटेंशंस दिख रहे हैं। मुझे बहुत इंसान थोड़ा एग्रेसिव भी है और सेल्फिश भी है, ओके? डेफिनेटली पर्सन को आप वो देते हो जिस पर्सन को बहुत पसंद है, ये पर्सन को पसंद है जब वो ये फीलिंग जो आप उनको देते हो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इट इज़ लाइक टू गुड, उनको बहुत बहुत अच्छा लगता है जो भी एक्साइटमेंट उनको आपके साथ फील होती है, आप जो नर्वसनेस इनके अंदर से लेके आते हो, इंस्टेड कि ये पर्सन इतने कॉन्फिडेंट होने के बावजूद, ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन जो आप इनको फीलिंग देते हो इस इंसान को बहुत पसंद है। ये एक सेल्फिश सेटिस्फैक्शन इनको फील होती है जो इनको पसंद है। इनको आप में क्या पसंद है, नाउ लेट्स सी What does this person like about party two? Okay.
डेफिनेटली यहाँ पे एक फ्रेंडली कनेक्शन तो है, ये पर्सन को बोरिंग लोग नहीं पसंद मुझे अचानक से आए, पर्सन को एक्साइटिंग लोग पसंद है, शायद इस पर्सन का आपकी वाइब बैठती है, इस पर्सन की आपके साथ वाइब बैठती है, यहाँ पे डेफिनेटली एक कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन मैं मेरा जो इंटेंशन की तरफ जा रहा है बार 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 वो यही है कि ये पर्सन थोड़े माइंड गेम्स खेलते हैं। अगर आपको इनका समझ नहीं आता कि ये कभी क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, इनके हर एक बोलने की चीज़ में, हर एक कम्युनिकेशन में एक इंटेंशन है, हर एक चीज़ में ये पर्सन बहुत कैलकुलेटिव है। ये पर्सन को अपनी लाइफ कंट्रोल करना बहुत पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आने के बाद चीज़ें इनको आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है, उनको वो एक्साइटिंग लगता है, उनको आपकी कंपनी बहुत पसंद है। ये थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है, पर्सन मैरिड हो सकते हैं, मैरिड नहीं तो ये वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पे कोई तो तीसरी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, मे बी आप एक म्यूचुअल फ्रेंड ग्रुप में हो, अगर वैसा नहीं है तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी दिख रही है, ठीक है। ये जो भी है ये इंसान थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी नहीं है, ओके। इस इंसान पे आपको थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये आप में इतने इंटरेस्टेड है या इतने इन्वॉल्व है कि ये आपको अपनी पूरी सच्चाई बता रहे हैं। मुझे लग रहा है ये आपको बहुत हाफ चीज़ें दे रहे हैं, आपको जितना इनके बारे में पता है वो बहुत कम है, और मुझे थोड़ा सा मतलब आई डोंट फील गुड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बोलने में भी थोड़ा ऐसा हैवी ब्रीदिंग आ रही है, मुझे एंग्जाइटी लग रही है, तो आई डोंट नो, थोड़ा रिस्की कनेक्शन तो है। लेट्स सी इनके सेक्सुअल डिज़ायर्स क्या आपको लेके, मैं नहीं बोलूँगी इस कनेक्शन पे आपको फुली ट्रस्ट करना चाहिए, इस पर्सन पे आपको फुली ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज ये पर्सन के ऐसे ख्याल है कि ये बस चीज़ें लेते जाएंगे आपसे, लेते जाएंगे और आपको कुछ वापस में रिटर्न में देंगे नहीं, आप पूरी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे और ये अपनी भी दुनिया बसाएंगे और आपको भी साइड में रखेंगे, ये सब नहीं हो सकता, ये इतना इनके हिसाब से सारी चीज़ें नहीं हो सकती। ये इनको चाहिए कि ये गाड़ी चलाए, जो ड्राइविंग सीट पे ये बैठे, तुम बस चलते जाओ, तुम बस बैठो, मतलब मैं लेके चलूँगा, आई विल कंट्रोल, आई विल वेरी मैनिपुलेटिव, वेरी वेरी मैनिपुलेटिव, मैं बस इतना ही बोलूँगी। अट्रैक्शन बहुत हैवी सेक्शुअल अट्रैक्शन, दिस कनेक्शन हैवी सेक्शुअल अट्रैक्शन, जानते हो आप दोनों एक दूसरे को, आपकी वाइब बैठती है एक दूसरे के साथ में, आप दोनों को आपकी एनर्जीज पसंद है, दोनों को अट्रैक्शन है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा, इमोशनल लेवल पे चीज़ें आगे बढ़ सकती है, बट ये पर्सन का जो ये कैरेक्टर है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सन ऐसे है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये पर्सन ऐसे है, बट इनकी जो करंट फीलिंग्स आपको लेके है, हैवी अट्रैक्शन, हैवी अट्रैक्शन, मतलब दे जस्ट फील कि यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, हैंडसम हो, ब्यूटिफुल हो, वो आपको बहुत आपकी तरफ बहुत आकर्षित है, ओके, ठीक है। मुझे वो लोग बोलते हैं हिंदी बोलो मैम, हिंदी बोलो, तो मैं बहुत बहुत इम्प्रूव कर रही हूँ इस वीडियो में, ओके, आई होप आप लोग मुझे नोटिस करो। तो ये पर्सन बहुत फैंटसाइज भी करते हैं आपको लेके, ओके, हैवी सेक्शुअल एनर्जी, हैवी ऑन सेक्शुअल साइड, बट जहाँ तक बात आती है सेल्फिशनेस की, दैट दिस पर्सन हैज़ अ लॉट। फॉरगिवनेस, ये पर्सन वो पर्सन है जो चीज़ें करेंगे, गलतियाँ करेंगे, फिर आके माफ़ी मांगेंगे, वो चाहेंगे आप इन्हें माफ़ कर दो, पर वो वापस गलतियाँ करेंगे। आई डोंट ट्रस्ट दिस एनर्जी, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही एनर्जीज से, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ आपसे कि मुझे अच्छी वाइब आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। आई फील ये पर्सन आप हट जाएंगे आपकी आँखों से, फिर वापस आ जाएंगे, फिर हट जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, वेरी इन एंड आउट एनर्जी, हैवी डिज़ायर, हैवी अट्रैक्शन, दिस एंड दैट, बहुत हैवी। ये पर्सन आपकी जो फिज़िकल बॉडी है, मेल या फीमेल जो भी हो आप, ये पर्सन को बहुत बहुत अट्रैक्ट करते हो आप, ओके। जब भी ये पर्सन आपसे मिलते हैं, देर इज़
बहुत सारे सेक्सुअल थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं जो आपको पता भी नहीं होंगे. जब भी आई कांटेक्ट हुआ है आपका, जब भी इस पर्सन ने आपको फिजिकली देखा है या फिर आपकी फ़ोटो देखी है, ये पर्सन के माइंड में कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली सेक्सुअल डिज़ायर्स रनिंग रहेंगे. चाहे ये मैरिड है, नहीं मैरिड है, बॉस है, जो भी है, सेक्सुअल डिज़ायर अट्रैक्शन फिजिकल बॉडी से इतना हैवी है इनका. ये आपको अप्रोच भी कर सकते हैं बट अगेन सेल्फिश पर्पसेस. ये चीज़ों को मैं आपको एडवाइस करूँगी कि थोड़ा इस पर्सन को थोड़ा सा एनालाइज करो, थोड़ा नोटिस करो, थोड़ा और टाइम लो चीज़ों के साथ. जल्दी बिल्कुल नहीं करना. माय बिगेस्ट एडवाइस, डू नॉट, ये फास्ट फॉरवर्ड में मत जाना, गो वेरी स्लो. क्योंकि यहाँ पे मुझे अट्रैक्शन दिख रहा है, मुझे कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कनेक्शन फास्ट जाए. टेक योर टाइम. अगर ये चीज़ें स्लो हो गई है, ये पिकअप करेंगे, ये पर्सन आपसे कुछ बोलेंगे, ये कुछ अप्रोच करेंगे आपको, लेकिन आपको वेट करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको इस पर्सन को एनालाइज करना है, उसका कैरेक्टर देखना है और फिर कोई भी चीज़ में आगे जंप करना है. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस पर्सन के ट्रैप में ना फंसो. डू नॉट गिव योरसेल्फ टू ईजिली. अपने आप को इतनी आसानी से मत दो इस पर्सन को. अपना वक्त लो, अपना समय लो, धीरे धीरे चीज़ों को करो. And that is my biggest advice. Let's see more चीज़ें और क्या आ रही है. इसमें थोड़े और messages निकालती हूँ. देखा, you need to understand you are not always right. ये आपको बोलना चाह रहे हैं. जैसे कि मैंने कहा, ये पूरा कंफर्म करता है कि ये पर्सन इन अ फाइट. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सॉरी फ्रॉम दिस पर्सन. अगर ये सॉरी बोलते भी हैं, इट इज़ फेक. जैसे मैंने कहा, फॉरगिवनेस का कार्ड आया था मुझे, ये आएंगे सॉरी बोलेंगे, बट इट इज़ ऑल नकली. ये पर्सन को मुझे सच में नहीं लगता कि अपनी गलती का कोई भी अंदाज़ा होता है. अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट भी किया है, मुझे नहीं लगता अगर ये फॉरगिवनेस के मकसद से आपके सामने आई भी है तो वो दिल से नहीं हुआ है. ये पर्सन को पता ही नहीं कि वो कहाँ गलत जाते हैं. उनको लगता है कि वो आपको समझाए कि आप कहाँ गलत हो. दे आर एंग्री विथ यू. कोई तो वजह से ये पर्सन आपसे गुस्सा है. ये आई डोंट नो, यू विल नो इट बेटर. बट अगर आप पूछ रहे हो इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट चीज़ें, ये पर्सन एंग्री है आपसे कोई वजह से. अब वो क्यों एंग्री है, यू विल नो इट बेटर. बट फीलिंग के हिसाब से देखा जाए तो दे आर एंग्री. But what can you expect from a narcissistic person? I need to focus on my health and career and so do you. So, ये person, जैसे मैंने कहा, in and out energy है. कभी लगेगा ये करूँ, कभी लगेगा वो करूँ. अपने हिसाब से चीज़ें घुमाएंगे, अपने हिसाब से mind games करेंगे, थोड़े selfish energy के साथ आएंगे, लेकिन obsessive बहुत है, attraction बहुत है, desire बहुत है. तो थोड़ा in and out energy की वजह से दिक्कत आपको ही होगी. आई नो वी आर सपोज टू बी टुगेदर. उनको ये चीज़ पता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत मैच करते हो. कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप दोनों एक जैसे हो. ठीक है, इनको ये चीज़, कुछ तो चीज़ इनमें है जो आप में भी है, और वो चीज़ इनको आप में दिखती है और वो चीज़ इनको बहुत पसंद है. ओके, कोई तो चीज़ है जो इनको आप में, क्वालिटी है, कोई एक क्वालिटी है जो इन्होंने आप में देखी है, जो इन जैसी है, और इनको पता है कि यू गाइज आर लाइक सेम फॉर सम रीज़न. ठीक है, तो बहुत एक जैसे हो इनको लगता है, बट फिर भी ये गुस्सा है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं. ये पोजेसिव भी बहुत है, टॉक्सिक भी बहुत है, ये सेल्फिश भी बहुत है, बट डिज़ायर बहुत है. ठीक है, हैवी अट्रैक्शन. व्हाट इज लास्ट, आई एम अनक्लियर अबाउट माई करियर. When will I start earning? तो ये पर्सन को थोड़ी सी पैसों को लेके दिक्कत हो सकती है. ये पर्सन को थोड़ा अपना अलग से स्ट्रेस हो सकता है. जैसे कि मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन का पूरा फोकस आप में है. ये पर्सन कोशिश करते हैं अपने दूसरे पार्ट ऑफ लाइफ को पूरा ध्यान देने के लिए, उसमें अच्छा करने के लिए, लेकिन आपका थॉट ज़रूर उनको बीच में आता है. ऑब्सेसिव एनर्जी है आप दोनों में. तो इस पर्सन की अलग लाइफ है, मुझे फिर से लग रहा है कि इस पर्सन की एक अलग वर्ल्ड है जो आपको इतना नहीं पता, जिसके बारे में. तो ये पर्सन की थोड़ी दिक्कतें चल सकती है वो दुनिया में, जैसे कि
अगर ये पर्सन की फैमिली है तो चीज़ें वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, या फिर ये पर्सन की फाइनेंशियल इशू है, काम का इशू है, या फिर कुछ भी इशू है, दे हैव सम अदर प्रॉब्लम ऑल्सो, कोई तो दूसरी चीज़ भी है. पूरा फोकस इनका आप पे नहीं है इस वक्त. ओके, ये डेफिनेटली अपना टाइम ले रहे हैं, ये ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे हैं, इनको अपना, ये अभी थोड़े से डार्क साइड में है अपने. जैसे हर एक इंसान में एक एंजल और डेविल होता है, तो ये पर्सन थोड़े अपने सेल्फिश साइड में है आपको लेके अभी. ओके, इस वजह से ये पर्सन थोड़ा आपसे दूर हट रहे हैं, क्योंकि यही सही है, ये प्रोटेक्शन है आपके लिए. ओके, अगर आपको लग रहा है ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, तो आप ये समझो वो किस वजह से जा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी आपको लेके इस वक्त सही नहीं है. जब सही हो जाएगी, ये पर्सन अपने आप आपके लाइफ में और स्ट्रांगली आने लग जाएंगे. ओके, लेट्स सी मोर. यूजुअली हम सोचते हैं कि गॉड हमारे से इनजस्टिस करता है, दिस एंड दैट, लेकिन हर गॉड के बोलते ना विल में एक प्रोटेक्शन होती है अपने बच्चों के लिए, तो वो आपको प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से थोड़ा दूर दूर हट रहा है, तो आप समझो क्यों हट रहा है, बिकॉज ये पर्सन की और आपकी एनर्जी इस वक्त मैच नहीं हो रही है. ये पर्सन थोड़े डार्कनेस में है, कोई एडिक्शन भी हो सकता है. ओके, एनी एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन, दारू का एडिक्शन, कुछ भी एडिक्शन हो सकता है इस पर्सन को. अटेंशन का एडिक्शन, जैसे मैंने कहा ये पर्सन बहुत बड़े अटेंशन सीकर है, बहुत नार्सिसिस्टिक है, बहुत सेल्फिश है. इनको ये चीज़ बदलनी पड़ेगी. जब तक ये अपने आप को नहीं बदलेंगे, जब तक ये आपको हासिल नहीं कर पाएंगे और ये कनेक्शन और मजबूत नहीं होगा, जब तक ये अपना अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं छोड़ते, इनको जो चाहिए, इनको चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे वो कोई भी मीन्स से उनको मिले, उनको वो चाहिए. तो ये इतनी सेल्फिश ऑब्सेसिव एनर्जी में आके इन्हें ना ही आप मिलने वाले हो, ना ही इन्हें कोई सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है. अटेंशन के बहुत भूखे हैं ये इंसान, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ये बहुत ट्राई करते हैं ना सोचे, दूसरे एरिया में फोकस करें. जैसे मैंने कहा, दूसरा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन आपका थॉट बहुत आता है. ओके, जेलस ये पर्सन बहुत, जैसे मैंने कहा, पोजेसिव है, एंग्री है, गुस्सा है, जेलस है. जैसे हमने देखा भी रीडिंग में, जैसे मैंने कहा पोजेसिव की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे आ गया जेलस. दिस पर्सन इज समवेयर जेलस. कोई तो कुछ बोला हो सकता है आपने, या उन्होंने कुछ देखा है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि कोई और है, या फिर आप ऐसे हो, दिस एंड दैट. उनको बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आपको लेके, पूरी तरीके से आप पे ट्रस्ट नहीं करते. कैसे करेंगे ट्रस्ट? लस्ट, बहुत स्ट्रांग लस्ट है इनको आपसे. ये कनेक्शन मोस्टली जो चल रहा है वो लस्ट पे चल रहा है अभी. लस्टफुली बहुत अट्रैक्टेड है ये आपसे, बट ये पर्सन में है भी बहुत सारा लस्ट, बहुत सारा फायर है पर्सन में. ये पर्सन एक कैप्रिकॉर्न हो सकता है, फायर साइन हो सकता है. यहाँ पे और कौन सा साइन आ रहा है कैप्रिकॉर्न में? को अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग आ रहा है, फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकता है. ओके, तो ये सारे साइंस मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं. अगेन वर्गो की एनर्जी भी हो सकती है विद द हर्मिट, बट या दिस इज द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन करेंटली, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, इसके बारे में आप सोच रहे हो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पे जाके आप रीडिंग बुक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप हो गया था वाइप आउट, तो प्लीज़ फ्रेश मैसेजेस करो. अगर आपने किया है मैसेज, मैंने रिप्लाई नहीं किया है, तो वापस करो मैसेज, ज़रूर आपको रीडिंग मिलेगी. तो पसंद आया वीडियो कमेंट करना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. सो बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. हेलो माय डियर पाइल थ्री, अगर आपने चूज़ किया है ये ग्रीन एवेंचुरीज का टंबल, तो ये है आपकी रीडिंग. ये ग्रीन एवेंचुरीन का टंबल जिसने भी चूज़ किया है, हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, क्या करंट एनर्जीज उनकी आपके तरफ है. ये पर्सन आपकी क्रश हो सकते हैं, कोई भी जो भी आपके दिमाग में है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जानना चाहते हो, तो देखते हैं कि उनकी एनर्जीज आपके तरफ इस वक्त क्या है. ओके, सो लेट्स सी. ओके, पाइल नंबर थ्री के पर्सन की करंट एनर्जीज उनकी तरफ क्या है? हेल्प मी कनेक्ट पाइल नंबर थ्री. ओके, लेट्स सी.
पहले मुझे नहीं देखते कि आपके पर्सन की करंट इस वक्त एनर्जीज आपके तरफ क्या है. लेट्स सी. ओके, तो पाइल नंबर 3, यहाँ पे डेफिनेटली एक कनेक्शन है. ओके, यहाँ डेफिनेटली एक कनेक्शन है, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं. काफ़ी एक वॉल है आप दोनों के बीच में, अगर मैं कहना चाहूँ तो एक वॉल है. काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हुई आपकी कनेक्शन में अभी तक. हो सकता है आप दोनों की ठीक से बातचीत तक नहीं हुई है. कनेक्शन इज मोस्टली बेस्ड ऑन फिजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल अट्रैक्शन है. कम्युनिकेशन मुझे नहीं लगता कि इतनी हुई है, अगर हुई भी है तो आई डोंट फील कि उसमें इतना स्ट्रॉन्ग कुछ है, या फिर उसमें इतना ऑनेस्टी है, इतनी सच्चाई है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों ही पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं हो एक दूसरे के साथ में. ठीक है, यहाँ पे पूरा फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली पे जा रहा है. कोई तो तरीके की फैमिली इंटरफेरेंस यहाँ पे, या फिर कोई तो ईविल आए, या फिर कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी का यहाँ पे इंटरफेरेंस दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली. कोई नज़र रख रहा है, जैसे कि कोई ईविल आए सेंड कर रहा है आपके कनेक्शन में. आपके ऊपर भी हो सकता है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो, आप इस वीडियो के बाद इमीजिएटली सॉल्ट वाटर बांध लो एंड आप अपने लिए प्रोटेक्शन प्रेयर बोलो. ओके, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई ईविल आए सेंड कर रहा है कनेक्शन में, और आपके ऊपर भी ईविल आए हैं, तो उस चीज़ का कुछ करिएगा. और डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आपकी या उनकी फैमिली में से कोई एक पर्सन बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है, या फिर आपके फ्रेंड ग्रुप में, या फिर जो भी आपके अराउंड रहते हैं लोग, कोई तो आउटसाइड फोर्स है जो इंटरफेयर करना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है कनेक्शन को. वो डिसीजन नहीं है यहाँ पे वो विलिंगनेस नहीं है चीज़ों को. विलिंगनेस है, मैं नहीं बोलूँगी विलिंगनेस नहीं है, लेकिन वो मैनिपुलेट हो रहा है. कोई कुछ बोल रहा है, कुछ तो यहाँ पे एक ऐसा साया या फिर ऐसी चीज़ है जो जो ये कनेक्शन के बीच में आ रही है. ओके, ये कनेक्शन को अगेन मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सीक्रेट रखिएगा पाइल नंबर 1 के जैसे, पर पाइल नंबर 1 से थोड़ी डिफरेंट रीडिंग ही है, लेकिन आप चेकआउट कर सकते हो पाइल नंबर 1 भी अगर आप अट्रैक्टेड थे उससे. तो यहाँ पे ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंटली आपके पास आना चाहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बोलने के लिए है नहीं. जैसे कि आई डोंट नो, बहुत एम्प्टीनेस आ रहा है मुझे, बहुत एम्प्टी फीलिंग आ रही है. आप दोनों शायद एक दूसरे को इतने से जानते नहीं हो, अगर जानते भी हो तो फिर मुझे लगता है कि यह जो ड्राइविंग फोर्स है आपके कनेक्शन का वो फिजिकल एस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा, मतलब अट्रैक्शन है, बट चीज़ें बढ़ने का मौका नहीं दिया गया है. मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा अगेन सेक्शुअल एनर्जी है, अट्रैक्शन है, लेकिन ये पर्सन का और आपका फ्यूचर कुछ स्टेबल या सिक्योर नहीं है. मतलब यू कुड बी अ थर्ड पर्सन इन दिस कनेक्शन, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, या फिर यू आर अ न्यू पर्सन, या फिर एक मिस्ट्री हो आप इस पर्सन के लिए, या फिर आपके लिए पर्सन एक मिस्ट्री है. आप दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे को जानते नहीं हो. काफ़ी धुंधला कनेक्शन है. मतलब अभी जो मैं देख रही हूँ, इट इज़ लाइक ब्लरी, द कनेक्शन इज़ ब्लरी. मतलब कुछ क्लैरिटी इनको भी आपके कनेक्शन के ऊपर नहीं है, आपको भी इस कनेक्शन के ऊपर नहीं है. एक कनेक्शन में दूसरी और चीज़ें भी है, दूसरे और लोग भी देख रहे हैं, उसका डर भी है और इंटरफेरेंस भी है, टेंशन भी है.
बट कनेक्शन है क्या असली में वो क्लैरिटी ही नहीं है अब तक. मुझे नहीं लगता कि आपको या इनको थोड़ी समझ आई है कि कनेक्शन में है, ये कनेक्शन है क्या, ये कनेक्शन फिजिकल है, ये कनेक्शन में कुछ है या फिर नहीं है, आपके तरफ कुछ है या नहीं है, या फिर इनके तरफ से कुछ है या नहीं है. इतने सारे सवाल आ रहे, इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये है तो है क्या, लाइक वॉट इज़ दिस. ये फ्रेशली न्यू कनेक्शन हो सकता है या फिर आउट ऑफ द ब्लू शॉकिंग अचानक से कुछ चीज़ आ गई जो हो सकता है. बट ये समझ नहीं पा रही, ये खुद भी अपने दिमाग में यही सोच रहे हैं कि इसका क्लैरिटी मैं लूँ तो लूँ कैसे, कि आप क्या सोच रहे हैं. उनके लिए बहुत मैटर करता है कि वॉट यू थिंक ऑफ देम, बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो वो आपको रीड नहीं कर पाते. ये फिर से पाइल वन से कनेक्ट हो रहा है, तो आप प्लीज़ पाइल वन देख सकते हो. तो आपको रीड नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रहे हैं. लेट मी सी. ये पर्सन को कभी कभी ऐसे लगता है कि दे आर नॉट वेरी गुड फॉर यू. उनको लगता, वो आपको डेफिनेटली एक हाई लेवल पे देखते हैं कभी कभी. इस वजह से वो समझ नहीं पाते आपको अप्रोच करे तो करे कैसे. देर इज़ डेफिनेटली अ बिग बिग स्कोप कि यहाँ पे बहुत चीज़ें बढ़ सकती है, बहुत चीज़ें अच्छे वे में बढ़ सकती है. यहाँ पे आप दोनों का दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन भी दिख रहा है मुझे. जो म्यूचुअल है मुझे ये बहुत ज़्यादा अपने मतलब सोलर प्लेक्सेस में फील हो रहा है. यहाँ पे बहुत फियर भी है लेकिन एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है. ये पर्सन आपको ज़रूर पसंद करते हैं बट कोई तो वजह से ना आप दोनों का वो कनेक्शन बैठ नहीं पा रहा. मतलब देर इज समथिंग ऑफ, समथिंग ऑफ. ये पर्सन को भी ये लगता है, ये आपको भी लगता है. अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली वही सेम चीज़ पर्सन को लगती है. मतलब देर इज समथिंग, लेकिन आप दोनों म्यूचुअली एक जगह बैठ के बात करो या फिर चीज़ें आगे लेके जाओ, वैसी कोई चीज़ हो नहीं रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा, या फिर इट इज़ जस्ट स्टक. द कनेक्शन इज स्टक बट द कनेक्शन इज देयर. कनेक्शन है लेकिन कुछ मिसिंग है. चीज़ें आगे बढ़ाना और जानना आपके दिमाग में क्या, उनके दिमाग में क्या, ये पूरा क्लैरिटी मिसिंग है. पूरा फोकस पूरा ब्लर है, पूरा कनेक्शन ही ब्लर है. अगर मैं डिफाइन करूँ कि माय गॉड ओके, ये आना चाहता था बाहर तो ये देखते ये क्या बोल रहा है मुझे. इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग ये पर्सन फिर भी आपको परस्यू ज़रूर करेंगे. अगर ये थोड़ा अपना टाइम भी लेते हैं तो माइंड मत करो, बिकॉज ये पर्सन खुद समझने की कोशिश कर रहे कि आगे अप्रोच किया तो किया कैसे जाए. यहाँ पे डेफिनेटली फैमिली का कुछ तो यहाँ पे आ रहा है, या फिर इनकी फैमिली में कुछ है, या फिर आपकी फैमिली में कुछ है, या फिर कोई मैरिज का एस्पेक्ट है आपके कनेक्शन में, या फिर कोई शादी, कुछ तो शादी मैरिज फैमिली बहुत स्ट्रांगली आ रही है. अगर ये पर्सन डाइवोर्स्ड है तो इनकी कोई एक्स फीमेल, या फिर ये कोई एक्स हो सकती है, या फिर कोई फ्रेंड ग्रुप में से कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली में से कोई पर्सन हो सकता है जो ये कनेक्शन पे बहुत नज़र रख के बैठा है, या फिर ये पर्सन से ऑब्सेस्ड है, या आपके कनेक्शन से, या फिर आपसे ऑब्सेस्ड है. कोई तो एक थर्ड पर्सन की ईवेल आए बार बार आ रही है. ओके, कुड वेरी वेल बी अ फीमेल, वेरी वेल बी अ फीमेल, फीमेल हो सकती है ये, ठीक है. बट ये जो भी है, ये कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिविटी आपसे अटैच हो रही है, जो भी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ एक सॉल्ट वाटर बाथ लो एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन शिवा, ओम नमः शिवाय. जो भी आप, जो भी आपका रिलीजन है, आप में जो भी मेडिटेशन की जाती है, आप वो करिए. अपने गॉड को, अपने डीटी को बुलाइए और ये चीज़ को निकालिए, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिविटी दिख रही है मुझे. आप पे अटैक्स भी हो रहे हैं और ये दिस इज़ ये हो रहा है कोई थर्ड पर्सन के वजह से, ठीक है. आप दोनों में केमिस्ट्री है, आप दोनों में पैशन है, आप दोनों का कनेक्शन और बढ़ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ मिसिंग है. मिसिंग है कि आप दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को समझने को वक्त ले रहे हो, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल. तो अगर आपको और समय भी लेना है आप ले सकते हो, लेकिन बस ये कनेक्शन को थोड़ा सा दबा के रखो और अपने आप को थोड़ा और खोल, मतलब थोड़ा और खोल दो. मतलब इतना मेरे को लगता है आप दोनों ही थोड़ा सा अपना हार्ट ओपन अप नहीं कर रहे हो, सच्चाई नहीं बता रहे हो, थोड़ा फेकनेस दिखा रहे हो. थोड़ा सा वो चीज़ को कम करो, रियल रहो एक दूसरे के साथ में, ठीक है. ये फेकनेस सिर्फ आपको और फेकनेस देगी. डिज़ायर, ये पर्सन को बहुत स्ट्रांग डिज़ायर है आपके लिए. ये पर्सन ने जब से आपको देखा है, आप मेल हो फीमेल हो, डेफिनेटली उनको लगा है कि यू आर देयर परफेक्ट
पर्सन, ठीक है, जो भी ये देख सकते हैं ना पर्सन, वो आप में है सब कुछ, और ये जानते हैं कि आपको ये चीज़ पता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक आईना है, आप दोनों एक दूसरे के एक्शंस को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो, ठीक है। आप जो फील कर रहे हो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी वैसा ही फील कर रहे हैं, लेकिन आप भी कुछ गलतियाँ कर रहे हो जो ये पर्सन भी कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन में थोड़ा सा मिररिंग इफेक्ट है। तो अगर आपको लगता है दिस पर्सन इज़ ओनली रॉन्ग एंड दिस एंड दैट, नहीं, आप में भी बहुत गलतियाँ हैं, आप भी यहाँ पे कुछ गलतियाँ कर रहे हो, आप भी एक फेक वाइब क्रिएट कर रहे हो, फेकनेस कर रहे हो कनेक्शन में, जो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है जिसकी। जितना आप रियल रहोगे अपने साथ, अपने कनेक्शन के साथ और इस कनेक्शन की सच्चाई को लेके, उतनी चीज़ें अच्छी आगे बढ़ेगी, क्योंकि फ्यूचर इस वक्त सैक्रिफाइस हो रहा है, आपका कनेक्शन बैठ नहीं पा रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट चीज़ें ब्लरी हो रही है, जबकि यहाँ पे अट्रैक्शन है। क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? क्योंकि आप लोग रियल नहीं रह रहे हो एक दूसरे के साथ में। डिज़ायर दोनों को है, लेकिन कितना एफर्ट्स है उस चीज़ के लिए। आप लोग बहुत ईजिली गिव अप करने वाले लोग हो दोनों ही, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। आपने भी, आप मानोगे नहीं, लेकिन आई थिंक दिस इज ऑल्सो यू। मुझे लगता है एक मिरर है आप दोनों में। वॉट यू हेट अबाउट देम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यू। जो आपको उनमें ना पसंद है वो भी आप में भी है, जो आपको उनमें पसंद है वो भी आप में है। तो एक आईना मुझे डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है बहुत स्ट्रांगली, मैं चेक करूँगी। लेकिन आप दोनों का सेम गिविंग अप नेचर है, बहुत चीज़ों को ईजिली लेना, एक दूसरे को कन्फ्यूज़ करना, मिस्ट्री क्रिएट करना, सीक्रेट रखना, ये सारी चीज़ें। अगर आप इतने मास्क डालोगे तो आप कैसे एक रियल कनेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो? एक रियल कनेक्शन तभी बन सकता है जब आप उतना रियल रहोगे। तो ये कनेक्शन को जो रोक रहा है वो खुद आप दोनों का फेकनेस है। सरेंडरिंग, बहुत जल्दी आप दोनों एक सरेंडरिंग जोन पे चले जाते हो कि भाई जो होगा देखा जाएगा। आप दोनों में से किसी एक ने या फिर आप दोनों ने ही ये कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है कि कुछ समझ मुझे तो नहीं आ रहा, तो आप यूनिवर्स ही देखेगा, अब जो होगा होगा। बट ऐसे में क्या होता है ना, फिर बहुत टाइम गुजर जाता है और आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती और कनेक्शन वैसे का वैसा ही रह जाता है। कभी कभी सरेंडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सरेंडरिंग बहुत गलत है, क्योंकि वो आपको पुश नहीं कर रहा, वो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लेके जा रहा। और क्या पता आपको जो चाहिए कनेक्शन से वो बस एक दो कदम दूर है। अगर आपने उतने कदम आगे बढ़ा लिए तो चीज़ें एक्चुअली आपको सरेंडर नहीं करनी पड़ेगी। तो इट इज़ जस्ट टेस्टिंग यू बोथ। मुझे नहीं लगता कि मैं एक इंसान को पकड़ के यहाँ पे बात कर रही हूँ। मैं, जहाँ तक आपने मुझे क्वेश्चन किया कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो वही है जो आपकी है, पर आप में भी जो फियर है उनमें भी है। फिर से मैं बोलूँगी, यहाँ पे अगर आपको ईवेल आया है तो उनको भी है। यहाँ पे एक नज़र है जो अच्छी नहीं है। अगर आप वर्क प्लेस में हो या फिर कोई एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपकी म्यूचुअल फ्रेंड्स है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है जहाँ पे आप एक लोगों से जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, या फिर घर पे इनकी फैमिली, आपकी फैमिली में से ये आपको मैसेज देना ही था, मिलना ही था कि देर इज़ ईवेल आया। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही आपकी फैमिली में, कुछ गड़बड़ा रही है, तो डेफिनेटली ये ईवेल आया की वजह से हो रहा है, साइकिक अटैक हो रहा है। सो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ वेरी स्ट्रांगली। इट इज़ अ कन्फर्मेशन जो ये यहाँ पे आया है। जो प्रोटेक्शन आपने मेरे लिए अगर की है तो वो अपने लिए भी करो, और ज़रूरत पड़े तो उससे स्ट्रांग प्रोटेक्शन करो। ओके, प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड ऑल्सो ये कनेक्शन को थोड़ा धीमा धीमा, थोड़ा सा सीक्रेटिव रखना ही सही रहेगा। लेट्स सी मोर, और क्या क्या आ रहा है। This is person wants to say in this connection. मुझे लगता है कि जो भी आपके बीच में पहले सा था, चीज़ें वैसी अभी नहीं है। मुझे डेफिनेटली एक लॉस ऑफ कनेक्शन फील हो रहा है। ये पर्सन को आपसे कनेक्टेड फील नहीं हो रहा, आपको इनसे नहीं हो रहा है। हो भी रहा है तो वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो रहा है, बिकॉज आपका सच में एक स्ट्रांग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन फिजिकली चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। और इसका दुख आप दोनों में बहुत ज़्यादा है कि चीज़ें पहले जैसी लाइट हार्टेड क्यों नहीं हो रही है। वाई इज़ इट स्टक, स्टक वाली फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पर। आप दोनों, जैसे मैंने कहा, एक वॉल आप दोनों ने बिल्डअप किया है अपने सामने, और आप बोल रहे हो कि दूसरा इंसान वो वॉल को तोड़ के आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये कोई CID नहीं है, कोई दया नहीं है यहाँ पे जो दीवार तोड़ के आ जाएगा। मतलब यू हैव टू ब्रेक योर वॉल्स, मतलब हर
थोड़ा सा अच्छा भी है रखना, थोड़ा सा मतलब ऐसे गार्डेड अपने आप को, लेकिन इतना भी मत करो कि भाई खुद ही वो दीवारों में फंस जाओ, ठीक है? क्योंकि दीवारों के आगे भी बहुत अच्छी दुनिया है जो शायद आप देख पाओ, लेकिन वो दीवारों ने आपको इतना घेर लिया है कि आप अंधे बन चुके हो, आप दोनों ही। तो फिर आपको लग रहा है कि आप ये इंसान ब्लॉक कर रहा है कनेक्शन को, वो इंसान, आप दोनों ही ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को, जबकि आप दोनों ही वो कल्प्रिट हो। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको लग रहा है वो गलत है तो नहीं, आप कुछ ज़्यादा सही नहीं हो। इनको डेफिनेटली एक चीज़ लगता है कि आप बहुत साफ हो, आप दिल के बहुत साफ हो, और ये चीज़ इनको आप पे बहुत पसंद है। लेकिन इनको ट्रस्ट इश्यूज भी है आपसे, क्योंकि ये आपको समझ नहीं पाते, ये आपको अभी तक जानते नहीं है, मुझे यही आ रहा है। लेकिन जितना वो आपको रीड कर पाए हैं, ये पर्सन जो मेल फीमेल जो भी है, ये आपको एज अ गुड सोल मानते हैं। ओके, दैट इज़ डेफिनेटली देयर। लेकिन ना जानने की वजह से वो एजम्पशन में चला जाते हैं कि यार ये पर्सन है तो है कैसा, इसका असली रूप क्या है, यू नो व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग इन दिस कनेक्शन। अफ्रेड, ठीक है, कोई वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच करने में डरते हैं, इनको आपका रिएक्शन नहीं पता, आपका कुछ पता नहीं है। वही चीज़ें जब आंखों के सामने धुंधला छा जाता है, आपको पता नहीं कि आप किस रास्ते जा रहे हो, कहाँ पे टकराओगे, क्या होने वाला है, तो जाहिर सी बात है इंसान थोड़ा डरेगा। तो और कनेक्शन मुझे लगता है ये दोनों आप चीज़ शेयर करते हो, एक डर, एक फियर है, अननोन फियर, फियर ऑफ द अननोन, होगा क्या, क्या हो रहा है, दिस एंड दैट। मतलब आप दोनों को ही मुझे लगता है थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होगी, फियर होगा, दोनों ही फियरफुल हो, आप दोनों बहुत सिमिलर हो, बहुत एक जैसे हो, और ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो कहीं ना कहीं दूसरे इंसान के बिहेवियर से, कोई भी वजह से, एक इंसान कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड या डिसगस्टेड हो जाता है, और ये चीज़ आप दोनों में ही है, ठीक है? मैं फिर से यही आ रहा है कि इट इज़ मिररिंग, इट इज़ मिरर, यू बोथ आर मिररिंग। बट दोनों ही काफ़ी खुश होते हो एक दूसरे के प्रेजेंस से, एक्साइटेड होते हो, डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, लेकिन एक मिररिंग इफेक्ट है दोनों में, एक होपफुल एनर्जी है, ठीक है? चाहे आप जितना भी डिनाई कर रहे हो, एक होप दोनों में रहती है, दोनों इस कनेक्शन में ज़रूर एक होप है कि चीज़ें फ्यूचर में बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो दोनों ही, और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो एवरीथिंग कैन फॉल बैक इन टू प्लेस। ये कनेक्शन में मैं वही बोल रही हूँ ना, वो कनेक्टिविटी इतनी नहीं बैठ रही है, शायद आपकी बातचीत इतनी नहीं हो रही है, या फिर एक दूसरे के सामने आप इतने नहीं हो, तो दूसरा इंसान थोड़ा सा मतलब क्या करना है, वो थोड़ा स्लीपी बोर्ड, मतलब ये क्या हो रहा है, वो समझ समझ के समझ ही नहीं पा रहे, मतलब इतना सोच लिया है कि अभी सोचने में कुछ बचा ही नहीं है कि ये कनेक्शन जा तो जा के डर रहा है। एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कोई तो चीज़ है उनके दिल में जो उनको फिर भी होप दे रही है कि ये कुछ होगा, इसका कुछ तो होगा, ठीक है? बिकॉज डिवाइन कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा, सरेंडरिंग सब कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अपनी एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। सरेंडरिंग कर दिया तो सब कुछ सरेंडर हो जाएगा। सरेंडरिंग इज़ वेरी गुड, मैं तो बहुत रिकमेंड करती हूँ, लेकिन अपने तरफ से थोड़ा एफर्ट तो लगाओ, क्या पता कि 2 कदम ही दूर हो आप अपनी मंजिल से। तो प्लीज़ मेक श्योर यू डू दिस। ये टाइम पे वो बहुत काम रहना चाहते हैं, कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं वो, क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं ना कि वो अभी और अपने आप को वैसी पोजीशन में नहीं डालना चाहते जहाँ पे वो और कंफ्यूज हो जाए। तो वो बस अभी काम है, और आपको भी काम रहना है। जितना अपना ये जो एंग्शियस एनर्जी, डरने वाली एनर्जी को थोड़ा काम डाउन करोगे ना आप दोनों, तो ये चीज़ बहुत सॉल्व हो जाएगी, वो चीज़ और बढ़ जाएगी अच्छी। आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, इमोशंस को, एंग्जाइटी को, थॉट्स को, दोनों को कंट्रोल करना है, ताकि एक कामनेस आ जाए आपकी, एक स्टिलनेस आ जाए कनेक्शन में, जो आगे चल के गहरा होता जाए। कनेक्शन गहरा तभी होता है जब समुंदर का जो पानी होता है, जब वो शांत होता है, शांत पानी सबसे ज़्यादा गहरा होता है। तो आपके कनेक्शन में गहराई तभी आएगी जब आप दोनों शांत रहोगे, मतलब हमेशा हाइपर एक्टिव होके, नर्वस होके, एंक्शस होके, डर लग के, ये सब होके, फिर वो पानी सिर्फ पानी रह जाएगा जो हड़बड़ाता है, उसमें गहराई कभी नहीं आएगी। तो प्लीज़, इफ़ यू वॉन्ट दिस कनेक्शन टू गो ऑन अ डीपर लेवल, मेक एफर्ट्स, दोनों तरफ से एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है।
होटल्स, क्योंकि अगर नहीं लिया तो वही रहोगे कंफ्यूजन के जोन में, क्या हो रहा है, कंफ्यूज कंफ्यूज्ड, और फिर एट द एंड हो जाओगे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड. व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एल्स, कम्युनिटी. अगर मुझे लगता है यहाँ पे कोई कम्युनिटी या फिर कोई लोगों का इन्वॉल्वमेंट या ग्रुप ऑफ क्राउड है, या फिर काफ़ी भारी इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है, बाहर मतलब बाहर के लोग. ओके, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो भी एक कंसर्न हो सकता है इस पर्सन का. हाउस, डेफिनेटली फैमिली, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे कोई फैमिली एंगल है, यहाँ पे कोई ईविल आई है. अगर आप आपके घर में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, इट इज़ टाइम टू प्रोटेक्ट योर प्लेस, प्रोटेक्शन में डालो अपने घर को. और आपके घर में इश्यूज है या फिर घर चेंज करो, ये दोनों में से एक के लिए मैसेज है. मुझे लगता है जो देख रहा है उसके लिए है, घर को साफ करो, घर को क्लटर फ्री रखो, घर में नेगेटिविटी कुछ है, कोई डरने की बात नहीं है, प्रोटेक्ट करो घर को, बहुत इंपॉर्टेंट है. घर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है. फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, घर के इश्यूज हो सकते हैं, काफ़ी भारी भारी इन्फ्लुएंस भी है, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस. कोर्ट हाउस, किसी कुछ तो पर्सनल इशू आप या ये पर्सन फेस कर सकते हैं आगे जाके, जहाँ पे एक मुश्किल टाइम आ सकता है आप दोनों के लाइफ में पर्सनली, तो इस वजह से कनेक्शन थोड़ा इग्नोर हो सकता है, तो वो चीज़ को भी ध्यान में रखना. ये आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं, आप इनके साथ एक यूनियन में आना चाहते हो, लेकिन आप दोनों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि या तो आप एक पाथ चूज़ करो. आपके सामने दो रास्ते हमेशा रहते हैं, या तो आप एफर्ट्स लो या फिर वो कन्फ्यूजन वाले जोन में जाओ, या फिर अपने ऊपर ध्यान दो. बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे रास्ते, डिसीजन आपका है. यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल्स तो लग रहे हैं, पर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आप दोनों की खुद की एनर्जी लग रही है एक दूसरे के लिए. सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल खुद ही दोनों सैबोटाज कर रहे हो इस प्यारे कनेक्शन को. आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस है, हो सकता है शादी भी हो, मैरिज भी हो सकता है, लेकिन अगर कनेक्शन इतना स्ट्रांग है तो एक अंडरस्टैंडिंग पे आके चीज़ों का सोल्यूशन निकाला जा सकता है. लेकिन वो मिसिंग है, लेकिन वो कनेक्शन ही मिसिंग है, वो बातचीत ही मिसिंग है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट ही मिसिंग है. ओके, सो व्हाट एल्स, लेट्स सी मोर मैसेजेस. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट ऑलवेज राइट. ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कोई कोई चीज़ में आप इस पर्सन को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हो, इनकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी दिक्कतें हैं, या फिर ये पर्सन को आपने जानने का टाइम ही नहीं लिया है, और ये पर्सन को कभी कभी आपका आप समझ नहीं आते. सच बोलूँ तो सच में आप दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग बैठी ही नहीं है अभी तक. आई एम अनक्लियर अबाउट माई करियर, वेन विल आई स्टार्ट अर्निंग. तो डेफिनेटली एक पर्सनल इशू भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कोई पर्सनल चीज की वजह से ये परेशान हो सकते हैं. इनकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी इशू में हो सकती है, लेकिन घर का फैमिली का मैटर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है. आई एम फीलिंग सो लॉस्ट लेटली. ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, जब धुंधला छा जाता है आंखों के सामने तो आपको समझ नहीं आता आप किस रास्ते जा रहे हो, तो आपको डेफिनेटली लॉस्ट फील होगा. और कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन को लॉस्ट फील हो रहा है तो आपको भी लॉस्ट फील हो रहा होगा, बिकॉज यू गाइज आर मिररिंग ईच अदर. और ये चीज़ से कोई भी आपको, कोई भी शक्ति आपको बाहर नहीं निकालेगी, वो खुद आप एक दूसरे को बाहर निकालोगे कुछ एफर्ट्स करके. ओके, यू कैन डू समथिंग. डेफिनेटली हर चीज़ का एक वे आउट होता है, यू हैव टू फाइंड योर्स. ओके, एक लास्ट कार्ड, स्लिपिंग अवे. इस पर्सन को बार बार लगता है, या फिर आपको बार बार लग सकता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप कनेक्शन को टाइम नहीं दे रहे हो, आप चीज़ें ग्रो नहीं करना चाहते हो, आप इतने एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, लेकिन ये पूरा ब्लेम गेम हो रहा है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है. डू समथिंग और फिर बात करो. ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग. आई होप आपको पसंद आया. अगर पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है. व्हाट्सएप नंबर मेरा, क्योंकि सारे चैट्स वाइप आउट हो गए थे, सारा डिलीट हो गया था, तो फ्रेश मैसेजेस भेजो जिसको भी रीडिंग करानी है, मैं सब रिप्लाई करूँगी. एंड यस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ कमेंट करना, मुझे प्यार देना, और डेफिनेटली प्रोटेक्शन का जो मैंने यहाँ पे बोला, डेफिनेटली करना. बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.